चलो भाई, एक और क्वेश्चन है। गेट क्लोज कर देता हूं। एक और क्वेश्चन है, क्या जेईई मेन 2023 का स्प्रिंग का क्वेश्चन है, और स्प्रिंग के साथ साथ इसमें वर्क एनर्जी पावर का भी चैप्टर है। मतलब वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट। क्या दिया है? अ ब्लॉक इज फास्टेन टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है। द ब्लॉक इज पुल टू अ डिस्टेंस x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जब स्प्रिंग, ये ब्लॉक एक इसमें बंधा हुआ है, और जब क्या है बंधने के बाद ये स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन पर थी, तो वहां से 10 सेंटीमीटर हम इसको स्ट्रेच कर लिए, खींच लिए। अगर खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा भाई? इस साइड। जो इलांगेशन इन स्प्रिंग होता है, वो जो स्प्रिंग पे फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स इलांगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये बात मैं बता चुका हूं। ठीक है, हमने 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर लिया फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्ट करेगा इस पे फ्रॉम रेस्ट। ठीक, द एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर जो एनर्जी है वो क्या है? 0.25 जूल। ठीक, 0.25 जूल इसकी एनर्जी है। हमसे क्या पूछा? द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज, हमसे स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू पूछा है। बात समझ में आया? तो मुझको बताओ कि टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होता है। टोटल एनर्जी जो इनिशियल एनर्जी होगा स्प्रिंग का, और जो फाइनल एनर्जी होगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। टोटल एनर्जी में क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, सब इनिशियल जो है इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक, तो एक बात बताओ, स्प्रिंग अपने जब नेचुरल पोजीशन पे है तो के इनिशियल क्या होगा? स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखो यहां से, मैं यहां से बोलूं के इक्वल टू 0, के इनिशियल इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी की बात आई, इनिशियल क्या होगा? मैंने पढ़ा था जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हमने बताया था क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका जो पोटेंशियल, वहां पे हम यू से डिनोट किया करते थे, यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में हम पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते थे, अभी मैंने यहाँ पे पी से किया है। कितना होता था? हाफ के एक्स का स्क्वायर। क्लियर? अब अगर मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं, तो क्या हो जाएगा? फाइनल देखो, जो यहां लिखा द एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज इतना, तो यहां से फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? कितना है भाई? 0.25 जूल। ठीक, अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की बात करूं तो क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये जो फाइनल हम लिख रहे हैं, कितने पर लिख रहे हैं? एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बट स्प्रिंग को हम कितना इलांगेट किए हैं? 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर इस स्प्रिंग को हमने पुल कर लिया, तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो जितनी एनर्जी यहां पर स्टोर हुई होगी 5 सेंटीमीटर पर, क्या उसका हाफ होगा? क्या इलांगेशन अभी आधा है, आधा
10 था, अभी कितना हुआ है 5 पर। तो मैं इलॉन्गेशन पहले जितना भी था, ये जो फाइनल हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं ये कितने पर लिख रहे हैं, उसके हाफ पर। क्यों? क्योंकि देखो एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर हमें ये दिया हुआ है। तो यहां से देख के बताओ अब मैं क्या लिख दूं, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस जीरो। यहां अब यहां से ये हो जाएगा कितना, 0.25 प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हाफ के एक्स बाई टू का स्क्वायर। सोचो जरा एक मिनट, क्या ये मैंने सही लिखा है? वीडियो को पॉज करो और एक मिनट के लिए सोचो। ठीक है, सॉल्व कर लो और ये आंसर आ जाएगा यहां से। सोचो भाई, सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू, पहले इसको मैं लिखता हूं, हाफ के एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस 0.25। इसको इस साइड कर लेंगे, इतना हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे हो जाएगा 1/8, 4 2 8 हो गया, के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.25। ठीक, एलसीएम इसका आ जाएगा कितना, 8 4 के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.25। यहां से कितना आ जाएगा, 3 के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 0.25। समझ में आई बात? अब देखो यहां से हमको क्या निकालना था, के द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज, के निकालना है, के निकालना था। और हमें यहां पे सब ठीक है, एक्स कितना लेंगे ये बात सोचना है। देखो जरा क्वेश्चन में एक्स कितना होगा, एक्स इक्वल टू हमें दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। मैं यहां से वैल्यू ले लूं क्या, ये हो जाएगा 3k। ठीक है, मैं ये सारा जो है, चलो x की जगह पे हम 10 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 0.25। यहां से k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.25 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। ठीक, ऊपर आ जाएगा कितना, 200 डिवाइड बाय 100 इंटू 3। ये कट जाएगा, कितना आ गया, के इक्वल टू 2/3। आंसर हमको किस में बताना है, डेसिमल में, बताओ। आंसर हमको डेसिमल में बताना होगा। एक चीज और, यहां पर जो ये 10 सेंटीमीटर था, इसको हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या 100 से डिवाइड भी करेंगे, 100 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक, डिवाइड बाय 100। तो यहां पर भी जो है ऊपर आ जाएगा कितना, 100 ऊपर कितना आ गया, 100, और यहां पर भी 100 आ जाएगा, यहां पर 200 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू नियर अबाउट 67 आ जाएगा। कितना, इसको कट करोगे तो 67 न्यूटन मीटर। बात समझ में आया? चलो, तो के की वैल्यू कितनी आई अपने पास यहां से, अप्रोक्सीमेट 67। फिल इन द ब्लैंक्स था, तो
यहां पर हम कितना फिल कर देंगे 67। ठीक है,